हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ। अगर आप लोग क्लास 7 मैथ को एक्सरसाइज 1.1 से पढ़ना चाहते हैं तो आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, सभी चैप्टर्स के 1x1 क्वेश्चन को बताया है एंड सारे वीडियोस में सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आप वहाँ से आसानी से सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, सभी चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो चुका है एंड आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का वीडियो दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि L एक रेखा खींचिए, इसके A बिंदु पर M एक लंबवत रेखा खींचिए, पुनः M पर स्थित किसी B पर एक लंबवत रेखा N खींचिए, बताइए क्या रेखा N L के समानांतर है, यदि हाँ तो कैसे। तो पहले हम इसका रचना करेंगे, रचना करने के बाद हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि रेखा N L के समानांतर है या नहीं है, यदि समानांतर है तो कैसे है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कह रहा है, पहले हम उसका एक कच्चा चित्र बना लेंगे, चित्र बनाने के बाद हम उसको पेंसिल की सहायता से बनाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि L एक रेखा खींचिए, तो पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे और इसका नाम हम देंगे L, ठीक है, इसका नाम हम L दे देंगे। और इसके बाद कह रहा है कि इसके A बिंदु पर M एक लंबवत रेखा खींचिए, तो L पर ही हम कोई बिंदु A ले लेंगे, ठीक है, और इस पर हमें एक लंबवत रेखा खींचना है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, एक 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो ये एक रेखा खींचेंगे और इसका नाम क्या होगा, इस रेखा का M नाम होगा। मतलब कि जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे हम इसमें करेंगे। पहले बोल रहा था कि L एक रेखा खींचिए, तो हमने एक रेखा L खींच लिया। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इसके A बिंदु पर M एक लंबवत रेखा खींचिए, तो यहाँ पर हमने एक बिंदु A लिया M पर और इस पर एक लंबवत रेखा M खींच दिया, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि पुनः M पर स्थित किसी B पर एक लंबवत रेखा N खींचिए, ठीक है, यानी कि M रेखा पर, M जो रेखा है इस पर हमें एक बिंदु B लेना है और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक लंबवत रेखा हमें खींचना है। इस तरह से हम एक लंबवत रेखा N खींच देंगे, इस बिंदु का नाम होगा B और इस रेखा का नाम होगा N, ठीक है, का नाम N हो जाएगा और इस रेखा का नाम हो जाएगा L। अब इसमें कह रहे हैं कि बताइए क्या रेखा N रेखा L के समानांतर है, यदि हाँ तो कैसे। तो पहले हम इसका ऐसे करके चित्र बना लेंगे और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 90 डिग्री का ही कोण बनाना है। तो पहले हम इस तरह का चित्र बना लेंगे, बनाने के बाद हम उसमें देखेंगे कि रेखा N L के समानांतर है या नहीं है और समानांतर है तो कैसे है। पहले हम फिगर बनाते हैं। दोस्तों हमने जैसे चित्र बनाया है वैसे ही यहाँ पर अब हम डिवाइडर और पेंसिल की सहायता से एंड स्केल की सहायता से हम एक चित्र बना लेंगे, ऐसा ही हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें एक लाइन खींचना होगा, लाइन खींचने के बाद हम इसका नाम देंगे L, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। और फिर कह रहा है कि इसके A बिंदु पर M एक लंबवत रेखा खींचिए, जैसे कि हमने यहाँ पर L पर ही एक बिंदु लिया है A, यहाँ पर भी हम एक बिंदु A लेंगे और इस पर एक लंबवत रेखा हमें M खींचना है। कैसे खींचेंगे, पहले हमें यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना होगा, पर हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से हमने इसको मिला दिया और इसका नाम हम देंगे इस रेखा का M। तो इतना सा हमने कर लिया, M एक रेखा यहां पर खींच लिया। आगे यहां पर कह रहा है कि पुनः M पर स्थित किसी B पर एक लंबवत रेखा N खींचिए, तो M ये वाला रेखा है और इस पर ही हमें एक बिंदु B लेना है, एक बिंदु B लेना है और इस पर भी हमें क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बना लेना है। तो पहले हम यहां पर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। और इस तरह से हमें इसको मिला देना है और इस तरह से हम
रेखा खींच लेंगे। देखिए ये वाला जो बिंदु है इसका नाम है, इस बिंदु का नाम है बी, इस बिंदु का नाम क्या है बी, और इस रेखा का नाम है एन। आगे बढ़ गया, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन के अनुसार फिगर को बना लिया है, इसी तरह से ही इस फिगर को बनाना था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर बन गया है। अब हम इसकी रचना के चरण लिख लेंगे। फिगर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये फिगर अच्छे से समझ में आ गया हो कि मैंने किस तरह से बनाया और आप किस तरह से अपनी कॉपी में बना सकते हैं। तो अब हम रचना के चरण लिखेंगे, इसके स्टेप लिखेंगे, जैसे हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने रचना के चरण भी लिख लिया है। स्टेप 1 में हमने लिखा है L एक रेखा खींचा। सबसे पहले हमने क्या किया था, L एक रेखा खींचा था। फिर स्टेप 2 में हमने लिखा है L रेखा पर बिंदु A लेकर समकोण बना लिया। L रेखा पर हमने बिंदु A लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं L रेखा पर एक बिंदु A लिया है और इस पर हमने समकोण यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने समकोण बना लिया है। स्टेप 3 में है, इस प्रकार हमने बिंदु A पर M एक लंबवत रेखा खींचा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बिंदु A पर M एक लंबवत रेखा खींचा है। स्टेप 4 में है, बिंदु B M रेखा पर लेकर बिंदु B पर समकोण बनाया। M रेखा पर हमने एक बिंदु B लिया है और उस पर एक समकोण बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेखा M है और रेखा M पर हमने एक बिंदु B लिया है और इस पर भी हमने क्या किया है, इस पर हमने समकोण यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, स्टेप 5 में, बिंदु B पर बना समकोण रेखा M पर लंबवत हो गया, जिस रेखा का नाम N है। तो हमने यहाँ पर बिंदु B पर जो समकोण बनाया वो रेखा M पर क्या हो गया, लंबवत हो गया, और इस रेखा का नाम हमने क्या दिया, N। तो यही सारा चीज हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे जैसे हमने इस चित्र की रचना की है उसी को हमने स्टेप में लिखा है, क्योंकि इसे लिखना जरूरी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपने रचना कैसे किया है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारे चरण लिख के बता दिए हैं। इन सारे स्टेप्स को आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। एंड लास्ट में इसमें क्वेश्चन था, पूछ रहा था कि बताइए क्या रेखा N रेखा L के समानांतर है, यदि हाँ तो कैसे। तो रेखा N जो है वो L के समानांतर है, क्योंकि क्योंकि कोण N B और A, ये वाला कोण जो है ये 90 डिग्री का है, और कोण L A B ये भी 90 डिग्री का है, और दोनों कोण को मिलाकर 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए रेखा N रेखा L के समानांतर है। तो यहाँ पर मैंने बताया भी है कि रेखा N जो है वो L के समांतर कैसे है और क्यों है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, AB एक रेखा खींचिए, AB से 5 सेंटीमीटर दूर एक ऐसी रेखा CD खींचिए जो AB के समानांतर हो। तो पहले हम इसका फिगर बना लेंगे। हम देखेंगे कि इसको हम स्टेप में कैसे लिख सकते हैं। रचना करने के बाद हमें उसके रचना के चरण लिखने होते हैं। तो पहले हम रचना करेंगे, तब रचना के चरण लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम चित्र बना लेंगे। पहले हम पेन की सहायता से यहाँ पर चित्र बनाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी एक रेखा खींचिए, तो पहले हम एक रेखा खींचेंगे और इसका नाम देंगे हम ए बी, और इसका कोई माप नहीं होगा। इसके बाद है, ए बी से 5 सेंटीमीटर दूर एक ऐसी रेखा सी डी खींचिए जो ए बी के समानांतर हो। अब ए बी के समानांतर एक रेखा में खींचना है जिसका नाम होगा सी डी, लेकिन ए बी से 5 सेंटीमीटर दूर वो रेखा में खींचना है। तो हम क्या करेंगे, रेखा ए बी पर हम एक बिंदु ले लेंगे, ठीक है, और इस बिंदु का नाम हम कुछ भी देंगे, जैसे कि ओ हम नाम दे देते हैं, एम एन या फिर कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। तो कोई भी बिंदु हम यहाँ पर लेके इस पर हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। 90 डिग्री का कोण बना लेने के बाद हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो इसको हम इस तरह से इसको यहाँ पर सीधा करके मिला देंगे, ठीक है। और ये जो रेखा है, ये रेखा कितने सेंटीमीटर का होगा, ये 5 सेंटीमीटर का होगा, और इसी पर हम फिर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाकर इसके समानांतर एक रेखा खींच देंगे और जिसका नाम हम दे देंगे सी डी। तो इसी तरह से हमें रचना करना है। तो पहले हम स्केल एंड डिवाइडर की सहायता से पेंसिल से हम चित्र बना लेंगे। तो यहाँ पर हम एक रेखा खींच लेंगे, इसका नाम हम देंगे ए बी। अब ए बी पर एक बिंदु लेंगे, इसका नाम हम देंगे ओ, और यहाँ पर हम इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। और इस तरह से हम इसको मिला देंगे।
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर माप लेंगे, इस तरह से हम 5 सेंटीमीटर यहाँ से माप लेंगे। मापने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको रखेंगे डिवाइडर को और यहाँ से इसको काट देंगे। ठीक है, बिंदु का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं एन। अब यहाँ पर एन बिंदु पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब इसको भी हम इस बिंदु से मिला देंगे। इस रेखा का नाम हम देंगे सी डी, सी डी इस रेखा का नाम हम दे देंगे। इस रेखा की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का रचना बना लिया है। अब हम इसके स्टेप लिख लेंगे, पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर बता दिया था एंड यहाँ पर मैंने स्टेप भी लिख लिए हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है ए बी एक रेखा खींचा, हमने सबसे पहले क्या किया है, ए बी एक रेखा खींचा है। स्टेप टू में लिखा है रेखा ए बी पर एक बिंदु ओ लेकर 90 डिग्री का कोण बनाया। ए बी रेखा पर हमने एक बिंदु ओ लिया और इस पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। तीसरे स्टेप में है ओ से एन तक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींचा, तो हमने क्या किया, ओ से एन तक 5 सेंटीमीटर लेके यहाँ पर हमने एक त्रिज्या खींचा। ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर लेकर हमने यहाँ पर इसको काट दिया। स्टेप फोर में है बिंदु एन पर कोण सी एन ओ 90 डिग्री बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिंदु एन लिया है हमने और यहाँ पर हमने देखी सी एन ओ, ये वाला कोण जो है ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हमने बना दिया। स्टेप फाइव में है इस प्रकार ए बी समानांतर सी डी या फिर सी डी समानांतर ए बी हो गया। इस तरह से रेखा ए बी रेखा सी डी के समानांतर हो गया। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड क्लास 7 मैथ का प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर दिख जाएगा। एंड ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।